माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे लाई हूँ रागा D10 के वीडियो। मैं आप लोगों को मिनी रिव्यू भी शेयर कर दूंगी, प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगी ये वाला D10 कैसा है। मैंने O3 का ट्राई किया है, नेचर्स का ट्राई किया है, ओजोन का ट्राई किया है, रागा का मैंने कभी यूज नहीं किया था। मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप इस ब्रांड का भी यूज करो। सो चलिए मैं आज आपसे इसका फुल रिव्यू एंड डेमो शेयर करूंगी। तो ये है रागा की प्रोफेशनल D10 टैन रिमूवल क्रीम विथ कैजविक एंड मिल्क। सो बेसिकली इसमें लिखा हुआ ये सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है। सो देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। मैंने जो पर्चेस किया है 500 ग्राम वाला पर्चेस किया है, काफ़ी बड़ा इसका जार है आप देख सकते हो। एंड सारे इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन आपको दिए हुए हैं रागा के। सो बेसिकली D10 करता क्या है, D10 आपकी स्किन से टैन को रिमूव करता है। अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हो, ऑफिस जाते हो एंड आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टैनिंग हो गई है, सो डेफिनेटली आप D10 15 दिन पे या फिर 2 मंथ पे या 1 मंथ पे करवा सकते हो। खुद से भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में बताया तो आराम से घर पे कर सकते हो। इसकी प्राइस है यहाँ पे आपको सो हो रही होगी 1155 रुपीज़, बट ये ऑन डिस्काउंट मैंने 900 रुपीज़ में परचेज किया अमेजोन से। सो चलिए हम इसका कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सो आपको मैंने आउटर पैकेजिंग तो दिखा दी है इस तरह से, अब हम इसको ओपन करेंगे। सो सील पैक था, मैंने न्यू ही ऑर्डर किया था एंड फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, गोल्डन कलर का दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अच्छे से बाउल में निकाल लेना है। मेरे फेस, नेक एंड बैक के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आयुर हर्बल की स्किन टोनर। सो इसका भी लिंक दे दूँगी मैं आप लोगों को। नेक्स्ट मैं रागा के एक्सप्रेस फेशियल किट को यूज़ करूँगी, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। फेशियल की वीडियो अलग से जाएगी। तो मैं फेशियल के साथ D10 करवा रही थी, तो इस वजह से मैंने रागा का ही नंबर 1 जो कि क्लेंजर है उसी को यूज़ किया था एज ए क्लेंजिंग। बट अगर आप फेशियल नहीं कर रहे हो तो आप कोई सा भी क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हो, जैसे कि नेचर्स का आता है, ओजोन का आता है, ऑक्सी का आता है, किसी ब्रांड का। इवन आप टिश्यू की मदद से फेस को क्लीन कर सकते हो वेट वाइप्स की मदद से। सो यहाँ पे अच्छे से क्लिनजिंग हो रहा है। क्लिनजिंग आपको 3 मिनट के लिए करना है। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे अभी क्लासेस लिया है एंड सीखा है, कर रही है। सो अच्छे से इन्होंने क्लिनजिंग किया है। सो बहुत लोग ना मुझसे पूछते हैं कि मैम हम आपके स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं एंड कितना टाइम लगता है पार्लर सीखने में। सो टाइम लगता है गाइज, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। तो इन लोग की भी प्रैक्टिस चली रही है। सो धीरे धीरे आप भी प्रो बन जाओगे मेरी तरह एंड आपका भी हाथ फ्रेश हो जाएगा। बट आप प्रैक्टिस करते रहो, गलती करोगे सीखोगे। जैसे मेरी स्टूडेंट से भी कुछ गलती हो रहा था तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे नहीं करना है। तो अगर आप गलती ही नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। सो आराम से घर पे आप ट्राई कीजिए, मम्मी के ऊपर, सिस्टर के ऊपर। क्लिनजिंग ही पर डे करोगे ना एक बार आप, जैसे कि या फिर हफ्ते में 2-3 बार मम्मी पे या सिस्टर पे, तो आपका हाथ धीरे धीरे फ्रेश हो जाएगा फेशियल में। सो बहुत अच्छे से इन्होंने क्लिनजिंग किया। क्लिनजिंग आपको कैसे करना होता है, नॉर्मली जो सिंपल वाले स्टेप होते हैं जैसे कि जनरल स्ट्रोक, क्रिस क्रॉस, लिप के राउंड, आइस के पास, सर्कुलर मोशन में आपको क्लिनजिंग कर लेना है। साथ ही साथ मैंने बैक भी करवाया था, मैंने सोचा करवा रही हूँ तो बैक भी करवा लेती हूँ इस तरह से। सो 3 मिनट या 4 मिनट के लिए क्लिनजिंग कर लेना है एंड इसको क्या करना है, वाइप कर देना है टिश्यू की मदद से। नेक्स्ट हमने जो D10 पैक को बनाया था उसमें मैंने टोनर हल्का मिक्स किया था। टोनर मिक्स करने से क्या होता है, वो हल्का गीला हो जाता है एंड अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है फेस पे। सो एक ब्रश ले लीजिएगा इस तरह का फेस पैक वाला एंड अच्छे से आपको D10 पैक को अप्लाई कर देना है। D10 पैक आपको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए चुन चुना जैसा लगेगा फेस पे, जैसे मतलब होता है ना जैसे हम ब्लीच करवाते हैं हमें लगता है वैसा ही लगेगा, बट बाद में आपको बहुत सूदिंग लगेगा। तो इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे एंड इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक ब्लीच। ये ब्लीच का रेप्लिका आप ऐसा समझो, जैसे ब्लीच काम करता है ना हमारे स्किन पे, हमारे स्किन को फेयर करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। बस अंतर क्या होता है ब्लीच एंड D10 में, D10 आपके हेयर को ब्राउन नहीं करता है बट ब्लीच आपके हेयर को ब्राउन कर देता है एंड वो विजिबल हो जाता है। आप लोग की ही रिक्वेस्ट पे मैंने रागा का ये वाला D10 परचेस किया है। मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर बोलते थे कि मैम आप हमेशा ओजोन का या O3 का यूज करते हो तो इस ब्रांड का भी शेयर करो। तो अभी तो फिलहाल मैंने अप्लाई किया हुआ एंड बिल्कुल भी इचिंग मुझे नहीं दे रहा है एंड इरिटेशन नहीं लग रहा है, जैसे कि ये बहुत बार होता क्या है D10 बहुत किसी को इचिंग देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे ठंडक लग रहा है, जैसे
मैंने अप्लाई किया ना अदर डीटेन की तरह, आपको जैसे मैंथोल की फ्रेग्रेंस आएगी एंड थोड़ा ठंडक जैसा लगेगा। तो इसको अप्लाई करना है आपको एंड 10 टू 15 मिनट के लिए रहने देना है। अगर क्लाइंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन लग रहा है तो 10 मिनट्स रखोगे एंड बीच बीच में आप टोनर स्प्रे करोगे, बट मुझे तो अच्छे से बर्दाश्त हो रहा है तो मैं इसको 15 मिनट के लिए रहने दूंगी। 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मसाज कर लेना है। इसके ऊपर चाहे तो आप स्क्रब भी कर सकते हो, चाहे तो इसके बाद भी आप स्क्रब कर सकते हो। तो मैं फेशियल के साथ करवा रही हूँ एंड फेशियल भी मैं करवाऊंगी सेम रागा का, तो फेशियल की वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो एंड एक मिनी रिव्यू मैं शेयर कर दूंगी इस डीटेन का। अदरवाइज दोनों को कंबाइन करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, शायद ये वाला वीडियो पहले जाएगा। सो चलिए इसको 15 मिनट के लिए रहने देते हैं एंड इसके बाद हम करेंगे मसाज। गाइस, ये जो रागा का प्रोफेशनल डीटेन है ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे पसंद आया। मैंने अमेजोन से ना और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट परचेस किए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने ये O3 प्लस का पावर ब्राइटनिंग फेशियल किट भी ऑर्डर किया था, रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ अपने चैनल पे 2-3 बार किस तरह से इस फेशियल किट को यूज करेंगे, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसकी प्राइस है आई थिंक 2900 रुपीज ये रही एंड इसको डिस्काउंट मैंने 2500 मिला है। अभी अमेजोन पे बहुत अच्छा सेल चल रहा है तो डू चेकआउट, सारे प्रोडक्ट को चेक कर लीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं पालक समान आप कहाँ से लेते हो, तो मैं अमेजोन से बहुत कुछ परचेस कर लेती हूँ, ऑथेंटिक प्रोडक्ट रहते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था ये नेचर्स एसेंस का लेवेंडर मैनी एंड पेडिक्योर विद सैलिसिलिक एसिड फॉर प्रोफेशनल यूज। बेसिकली मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की है, इसको भी मैंने अमेजोन से परचेस किया। अभी सेल चल रहा था तो मैंने सोचा क्या कि पार्लर में मेरा बहुत सारा सामान खत्म हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं परचेस कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं पटना से लेती हूँ बट वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, मुझे जाना पड़ता है, इस वजह से मैंने अमेजोन से ले लिया। आजकल मैं सारे प्रोडक्ट अमेजोन से ही ले रही हूँ। ये भी काफी अच्छा, इसकी प्राइस है 1000 रुपीज, ऑन डिस्काउंट आपको 800 मिल जाएगी एंड इसमें आपको 4 स्ट्रे मिलते हैं। इसका वीडियो डिटेल में अलग से मैं जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे पिछले वीडियो में जो मैंने अपनी मम्मी पे बनाया था मदर्स डे के दिन, पिछले संडे को डाला था मैंने, कि मैम आपने ये वाला आईलेसेस कहाँ से लिया जो कि मतलब बड़ा वाला साइज है, तो ये मैंने अमेजोन से लिया, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो काफी अच्छा है। मैंने आई थिंक 800 रुपीज में परचेस किया एंड आपको इसमें आई थिंक 20 पेयर मिलते हैं, 999 लिखी हुई इसकी प्राइस एंड ऑन डिस्काउंट आपको 875 में मिल जाएगा। डेफिनेटली डू चेक आउट, ये भी काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है एंड आपको मेकअप पसंद है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है स्कास्कॉफ की हेयर स्प्रे, बेसिकली इसको टाफ का भी हेयर स्प्रे बोलते हैं, नंबर 5। एंड इतना ही नहीं गाइस, अमेज़ॉन पे आपको 10% कैशबैक मिलेगा अगर आप प्रीपेड ट्रांजेक्शन करते हो, प्लस आपको 500 का कैशबैक मिल सकता है अगर आप 3000 तक की शॉपिंग करते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारा है लिपस्टिक। मैंने मेबेलिन सुपरस्टे का लिपस्टिक ऑर्डर किया इन दी शेड 65। ये एक न्यूड कलर है प्रॉपर, तो अगर आप कोई न्यूड कलर ढूंढ रहे हो ना तो इसको आराम से ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा एंड फेयर स्किन टोन पे काफ़ी अच्छे से जाएगा। ये मीडियम एंड डीपर स्किन टोन पे अगर आप लगाओगे ना तो वॉश आउट कर देगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्रोडक्ट को दे दिए एंड अच्छा सेल चल रहा है तो आप ले सकते हो इन सारे प्रोडक्ट को, डिस्कशन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो डीटेन पैक अच्छे से ड्राई हो गया है, तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, एकदम पापड़ की तरह बहुत लोग ड्राई कर देते हैं वो नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, 2 से 4 मिनट के लिए मसाज करना है। अगर आप फेशियल भी करवा रहे हो तो मैं बोलूँगी ज़्यादा मसाज मत करवाइएगा या फिर मत करिएगा क्लाइंट को, एंड अगर आप सिंपली डीटेन बस करवा रहे हो तो इसके ऊपर आप स्क्रब भी कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत क्लाइंट आते हैं ना डीटेन करवाने के लिए, फेशियल उनको नहीं करवाना होता है, हम क्या करते हैं डीटेन के ऊपर हल्का स्क्रब दे देते हैं। मैं तो हमेशा यही करती हूँ बट मैंने आज फेशियल भी करवाया है, मैंने स्क्रब बाद में करवाया था, ठीक है। तो अगर आप डीटेन सिर्फ करवा रहे हो या कर रहे हो क्लाइंट का, तो इसके ऊपर स्क्रब ले लीजिएगा हल्का सा एंड हल्का सा मसाज कर दीजिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। नॉर्मल आपको जनरल स्ट्रोक, क्रीज कॉल, लिप के राउंड करना, आइस पे आपको नहीं मसाज करना है एंड टिश्यू की मदद से लास्ट में क्लीन कर देना है। इसके बाद आप चाहे तो टोनर लगा के पोर्स को क्लोज कर सकते हो एंड 24 घंटे के लिए आपको सोप, फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं करना एंड फाइनल रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आया है। ग्लो आ गया, आप देख सकते हो।
वीक में एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिए। सो गाइज, आफ्टर डिटेलिंग एंड फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है। मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो आई थिंक आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो बड़ा सा लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी डिटेन का नॉलेज नहीं था, एनिमेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कौन सा नया फेशियल का वीडियो, फिर हेयर कट या फिर किस तरह का मेकअप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड ग्लो एंड फाइनल रिजल्ट तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं एंड फेशियल की वीडियो अगर आपको देखनी होगी ना, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।